और ये क्या, ये सांप है भाई? ना मैं इसको मारूं, जरूर जरूर। ये बहुत मोटा सांप है, तो मर ही नहीं रहा। ब्लैक कलर की बिल्ली है, बहुत प्यारी है। ये देख कितने ज्यादा तुलसी के निकले हुए हैं फूल। इसको अगर हम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम व्लॉग में आपको बता रहेंगे कि हम छत की सफाई किस तरह हम करने लगे हैं। हमारे छत पे बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ है, तो हवा की वजह से, बारिश की वजह से, हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह सफाई करते हैं छत की। ये हमारी टंकी है, हमने वैसे इसके ऊपर रखी हुई है, इसकी टंकी को सही बंदोबस्त नहीं है। ये टंकी हमारी पड़ी हुई है इधर, ये नीचे कुछ लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं जलाने के लिए, सर्दियों में जो लकड़ी पड़ी हैं। ये कावे का पौधा है हमारे पास, ये देखें कितना खूबसूरत है। इसके साथ ये छोटी बूटी लगी हुई है अरबी के, ये छोटे छोटे पौधे हैं, ये देखें कितने प्यारे पत्ते हैं अरबी के। अभी ये बड़ा हो रहा है, छोटा है, इसके साथ और भी निकले हुए हैं। ये कावे हमारे पास 2-3 कावे हैं। ये देखिए नाजरीन, ये ईंटे पड़ी हुई है हमारी, बिखरी हुई ईंटे, हम ईंटे सारी खाते हैं। ये देखिए नाजरीन, हम चारपाई को यहाँ पे खड़ा कर दिया है, अब हम जो ईंटे वगैरह बिखरी हुई है हम इनके उठाते हैं, फिर हम सफाई करेंगे छत की, हम दिखाते हैं आपको। लेकिन आगे हमने अब सफाई कर ली है छत की सारी, अब आपको आगे दिखाते हैं हमने क्या करना है आगे। आए हम अब आपको बड़ी अपनी छत दिखाते हैं। ये हमारी छोटी छत थी, वो अब हमारी बड़ी है। ये नीचे सीढ़ियां लगी हुई हैं, 3 स्टेप है सीढ़ियों के, 3 स्टेप है सीढ़ियों के। ये हमारा जंगला लगा हुआ है इधर, तीसरा जंगला, इसके सामने हमारा अमरूद है। अमरूद तो वैसे अब कम नहीं है, ज्यादा नहीं पड़े हुए। ये वहाँ कुछ ईंटे हैं, कुछ पौधे लगे हुए हैं वहाँ पे, वैसे ही फालतू लगे हुए हैं। ये ऊपर हमारी कपड़े वाली तार है डालने के लिए। ये देखिए कितना बड़ा हमारा छत है। ये देखिए हमारा अमरूद, अमरूद तो काफी ज्यादा थे लेकिन अब बहुत कम है अमरूद, बहुत प्यारा बड़ा अमरूद है। ये देखिए नाजरीन, ये पिंजरा हमारे पास छोटा सा, ये हमने बिल्ली रखी हुई है पिंजरे में, ब्लैक कलर की बिल्ली है, बहुत प्यारी है, अभी बहुत छोटी है और कमजोर भी बड़ी है। अभी कह रही है मुझे बाहर निकालो, तो इसको अभी बाहर नहीं निकालना। ये देखे नाजरीन, ये आज ना हमने सवैया बनवाई थी, तो ये हमारी सवैया इधर हमने डाली हुई है चादर के नीचे, मैदे की सवैया। ये हमारी ड्राई हो गई है, तो अब हम इनको उठा लेते हैं सवैयों को। नाजरीन अब हम नीचे जाते हैं, आपको अपने गमले दिखाते हैं। आज अच्छा नाजरीन, अब हम नीचे आ गए सीढ़ियों पे, यहाँ पे हमने पौधे भर रखे हुए हैं। ये हमारी खिड़की है, यहाँ से हम बाहर देख लेते हैं, इसको बंद भी कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब ये हमारे पास पौधे हैं, ये तुलसी का पौधा है, ये देखिए कितना प्यारा है, ये तुलसी का पौधा, इसके साथ बूटी है छोटी सी उगी हुई, ये भी तुलसी का पौधा है, इसके ऊपर छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं, ये देखिए कितने प्यारे हैं। इसके ऊपर भी बीज नहीं है, बीज नहीं भी बने, कुछ कुछ हो रहे हैं। ये देख कितने ज्यादा तुलसी के निकले हुए हैं फूल। इसको अगर हम हल्का सा भी हमारा हाथ इसके साथ टच होगा तो इसकी एकदम से खुशबू फैल जाती है पूरे घर में, बहुत प्यारी इसकी खुशबू आती है, जिस तरह का पुदीने की आती है खुशबू। ये सारे तुलसी के पौधे हैं, ये भी हमारे पास तुलसी का पौधा, ये हमारा छोटा तुलसी का पौधा है। ये इसके साथ हमारी एलोवेरा है, ये भी एलोवेरा, और ये क्या, ये सांप है भाई, मारू जरूर मर ही नहीं रहा, क्या करूं। ये देखिए पैर नहीं है, तो मारती है, देखिए ये बहुत मोटा सांप है, तो मर ही नहीं रहा। ये तो ये देखिए कितना लंबा धागा इसका, ये तो नकली सांप है, ये लग नहीं रहा नकली सांप है, ये देखिए। इसलिए मैं कह रही थी कि ये बच्चों ने यहाँ पे कहीं रख दिया, और मुझे एकदम मैंने देखा इसमें तो मुझे सांप नजर आया, मैं तो खुद खौफ ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा मैं डर गई हूँ, ये रबड़ क्या ना इसीलिए तो ये मरने का रहा। ये देखिए मोबाइल में आपको भी डर लग रहा होगा देख के वीडियो में, ये नकली के असली है, ये देखिए
हमारी आज की वीडियो, ये एकदम से सांप निकल आया, इसको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। और हम इस वीडियो को आज हम एंड करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो किस कैसी लगी है। आपका वक्त निकालने का शुक्रिया। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।